और चलते चलते हम जहाँ पहुँचे हैं, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला था कि यहाँ पर अभी आज नगर निगम के जो अफसर लोग हैं, MLA साहब लोग हैं, जहाँ पर एक मीटिंग कर रहे हैं। तो उस मीटिंग को देखने के लिए हम जहाँ रुक गए हैं, तो हम देखते हैं कहाँ पर मीटिंग हो रही है। चलते हैं आगे। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। ये देखिए, मेरे ख्याल चले गए हैं जब अभी जहाँ पर हैं, अभी हमें पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल चले गए हैं। जब पायलट गाड़ियाँ नहीं दिख रही, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े MLA साहब होते हैं, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, उनके साथ पायलट गाड़ियाँ भी होती हैं, जो पुलिस भी बहुत होती है, पुलिस तो दिखाई नहीं दे रही। तो फिर हम देखते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं जहाँ पर ये सब लोग हैं, जहाँ सरकारी बंदे आते हैं ज़्यादा, या फिर वो आते हैं जो लोग जिन्हें चुनते हैं, हाँ, लोगों को चुने हुए नुमाइंदे आते हैं जो 5 साल बाद वोटें पड़ती हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी हाँ, ठंडी हवा लग गई, ठंडी हवा आ चुकी है यहाँ पे, और ठंडी ठंडी हवा में मज़ा भी आता है। ये हाल चाल है, और कितने हो रही है मीटिंग, चलिए आ जाइए। और सिंचेवाल साहब जहाँ पर बोला जी हैं, एक पप्पी परासर जी हैं, 3 MLA यहाँ पर है, मीटिंग चल रही है। चलते चलते हम थोड़ा सा रुक गए यहाँ पे। वो देखिए, कहते हैं कि अंदर नहीं जाना, अंदर मीटिंग चल रही है, ज़रूरी मीटिंग चल रही है अंदर। जब अंदर मीटिंग चल रही हो, बड़े बड़े प्लान बन रहे हों, बूटे दरिया को कैसे साफ़ करना है, इधर दिखा दो, बाहर से दिखा दो ना। अंदर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वही MLA बैठे हैं जिनको हम लोग चुनते हैं। कहते हैं अंदर नहीं जाना आप लोगों ने, बूढ़े दरिया साफ़ हो रहा है जहाँ पे। बूढ़ा दरिया कब साफ़ होगा ये तो हमें मालूम नहीं है, हम वापस आ रहे हैं। लेकिन वो जो लोग बैठे हैं अंदर, MLA बैठे हैं, एक सिंचेवाल साहब हैं, बूढ़ा दरिया कैसे साफ होगा, 40 साल हो गए हैं इस बूढ़े दरिया को साफ होते हुए, अभी तक जब बूढ़ा दरिया साफ़ नहीं हुआ है लोगों से, 40 साल में अरबों रुपया इस बूढ़े दरिया ने खा लिया है। कहते अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। कहते मीटिंग चल रही है, मैंने कहा कौन सी मीटिंग चल रही है। कहते बूढ़ा दरिया साफ़ हो रहा है, मैंने कहा बूढ़ा दरिया तो 40 साल से साफ़ हो रहा है यार, अब आप क्या साफ़ करोगे, चलिए आगे बाहर यार। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखी ना इन लोगों की, या बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, ये गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं लोगों के पास, पब्लिक टैक्स, पब्लिक मनी, और उसके बाद भाई पब्लिक जिसको वोट डालना नहीं आया अभी तक, 75 साल हो गए अभी तक लोगों को वोट नहीं डालना आया। झंडे लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं, जहाँ पर देखिए रंग बिरंगे झंडे लगे हुए हैं, जहाँ पर नेता लोग आए हुए हैं, बुड्ढा दरिया साफ हो रहा है जहाँ पर, बातों बातों में हो रहा है, अंदर दरवाजे बंद करके बुड्ढा दरिया साफ़ कर रहे हैं ये लोग। अभी हम गए थे ना ऊपर, बुड्ढा दरिया साफ़ हो रहा है, जिस बुड्ढा दरिया के किनारे हम घूमते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं, अरबों रुपया उस पर लग चुका है, कब साफ होगा बुड्ढा दरिया किसी को पता नहीं, लेकिन मीटिंगें चलती रहेंगी और मीटिंगों में पैसा लगता रहेगा, पब्लिक का टैक्स का पैसा लगता रहेगा। अरे बंद दरवाजों में क्या, जहाँ पर स्क्रीन लगा कर लोगों को भी दिखाओ कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, जनता को भी पता चले कि आप कैसे बुड्ढा दरिया साफ़ कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता बुड्ढा दरिया कहाँ साफ़ है और कैसे साफ होगा। चल चल यार बंटी किसी और जगह पे।